हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्लाई एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रोवर्ब्स के बारे में। जैसे प्रीवियस मैंने एक कुछ बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं प्रोवर्ब्स और इडियम्स के बारे में, और मैंने एक और ये वीडियो बनाई, इसमें भी बहुत शानदार प्रोवर्ब्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रोवर्ब है हमारा आ नाइन डेज वंडर। आ नाइन डेज वंडर हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में जो हमारी प्रोवर्ब होती है हिंदी में होती है चार दिन की चांदनी, चार दिन की चांदनी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आ नाइन डे वंडर, चार दिन की चांदनी, उसको हम हिंदी में बोलेंगे चार दिन की चांदनी को आ नाइन डे वंडर्स इन इंग्लिश। सेकेंड है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। हम बोलते हैं ना हिंदी में कि जो बादल गरजने वाले बादल कभी भी बरसते नहीं हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू दी ग्राउंड, ये बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा गाँव में ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। कहते दुविधा में दोनों रहे माया मिली ना राम, ये दुविधा में दोनों रहे माया मिली ना राम, मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ कहीं कुछ कर रहे होते हैं तो हम कुछ कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो ना हम उस यहाँ के रह पाते हैं ना फिर वहाँ के रह पाते हैं। जैसे सपोज़ करो कि आपने क्या करा, आपने ट्वेल्थ किया, जैसे सपोज़ करो कि आपने क्या करा, एक कोचिंग ज्वाइन करी इंग्लिश सीखने के लिए, आपने वहाँ पे डेमो लिया दूसरी जगह डेमो लिया, दोनों जगह आपको कन्फ्यूज़न रहा कि भाई कहाँ जाएँ और जा ही नहीं पाए, और एक दो महीने ऐसे ही निपट गए, तो आप कह सकते हैं कि बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू दी ग्राउंड, मतलब ना दुविधा में रहकर ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ना माया मिली ना राम। वर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, वर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर मतलब चोर चोर मोसेरे भाई, चोर चोर मोसेरे भाई जनरली बोला जाता है। कहते हैं भाई जो चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब जनरली हम वहाँ प्रोवर्ब्स कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ जनरली कोई दो गलत लोग मिल जाएँ, कहते हैं वो दोनों ही गलत हैं तो चोर चोर मोसेरे भाई, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। वर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर मतलब चिड़िया के पग दोनों एक साथ उड़ते हैं। कंटेंटमेंट इज़ द हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट इज़ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट इज़ हैप्पीनेस, संतोष परम सुखम, संतोष परम सुखम, जी हाँ जनरली हम बोलते हैं कि संतोष ही परम सुख है, कहते हैं सब मोह माया है, संतोष ही परम सुख है, तो कंटेंटमेंट इज़ हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज क्राइंग इन वाइल्डरनेस, क्राइजिंग वाइल्डरनेस, क्राइंग इज क्राइंग इन वाइल्डरनेस, इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब उसके सामने चिल्लाना रोना जहाँ पे आपका कोई मतलब है ही नहीं, तो भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी के सामने बोलना जब उस पर उस बात का कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मतलब ये कहते हैं उतनी ही पैर पसारो जितने में आपकी चादर हो, कहा जाता है ना उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो, तो मतलब उस हिसाब से ही खर्चा करो जितना कि आप उसको कर सको। जैसे सपोज कि आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया और आपने उसकी लिमिट 50,000 थी, आपने खूब पैसे खर्च कर लिए, अब आप उसको जमा करने के लिए वापस बिल पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सैग, बहुत शानदार है, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, हम जनरली कहते हैं ना भाई वो तो अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनते रहते हैं, मतलब अपनी खुद की ही बड़ाई करते रहना। फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सैग, फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सैग, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। नेक्स्ट बात है ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल मतलब कि ऊंची दुकान फीके पकवान, जैसे हम जहाँ पे जाते हैं कि भाई नाम तो बड़ा है लेकिन काम तो कुछ नहीं है इसका, तो हम वहाँ पे बोलेंगे ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीके पकवान। दसवीं पे आते हैं हम, दसवीं प्रोवर पे, इनोसेंट हैव नथिंग टू फेयर, इनोसेंट हैव नथिंग टू फेयर, इसका मतलब है सांच को आँच नहीं, कहा जाता ना कि जो व्यक्ति सही होता है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, सांच को आँच नहीं, तो इनोसेंट हैव नथिंग टू फेयर। नेक्स्ट इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये हम जैसे कई बार कहते हैं अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते अब चिल्लाने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ नो यूज़ टू क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, मतलब जब दूध उबल ही चुका है तब उस पर चिल्लाने से क्या वापस तो आ नहीं जाएगा, तो उसको कहते हैं इट इज़ नो यूज़ टू क्राइंग ओवर द स्पिल्ट, या फिर बीती ताई बिसार दे, और भी कहा जाता है हिंदी में बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे आगे देखो अब आगे क्या करना है, तो इट इज़ नो यूज़ टू क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब यहाँ पे उबले हुए दूध पर रोने का कोई मतलब तो है नहीं, अब आप जो हो गया ठीक है अब आगे क्या करना है वो देखो। माइट इज़ राइट,
माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहा जाता ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो ये माइट इज राइट, मतलब जो बैग जो आपका जो ताकतवर व्यक्ति है उसी की चल रही है, जो जिसके पास पैसा है दौलत है शोहरत है वो आदमी की वो बोलेगा वो सही बोलेगा और जो हम बोलेंगे वो गलत, ऐसा इसके लिए यूज करते हैं माइट इज राइट। जनरली हम बोलते हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा वो कहेगा वैसा ही चल कर रहेगा। Riches have wings, riches have wings, मतलब लक्ष्मी चंचल होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भैया इतना पैसा आने पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी चंचल होती है, आज इसके घर तो कल उसके घर, तो कल परसों उसके घर, तो वही riches have wings, मतलब लक्ष्मी क्या होती है, चंचल होती है। Something is better than nothing. Yeah, something is better than nothing. Come on, something is better than nothing. इसका मतलब होता है कि कुछ ना होने से कुछ तो बेटर है, कुछ ना होने से कुछ जो कुछ भी है वही आपका बेहतर है। हम कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप देखेंगे कि और दुनिया में कितने सारे लोग इनके पास कुछ भी नहीं है, तो something is better than nothing. कुछ ना होने से अच्छा कि कुछ है। Last और 15 proverb, to make a mountain of a molehill. टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, मतलब राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर करना, राई का पहाड़ बनाना। कहते हैं तुम तो राई का पहाड़ बना रहे यार, रहन दो छोड़ो ना, छोटी सी बात है, बट उसको लोग सुनते नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं यार तुम राई का पहाड़ मत बनाओ, राई का पहाड़ मतलब छोटी सी बात का। राई में सरसों को बोलते हैं, जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना उसका जो सीड्स होता है उसको हम राई बोलते हैं, सरसों। तो टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल मतलब राई का पहाड़ बनाना, बहुत छोटी सी चिक छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना, इस कॉल्ड टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोलहिल। तो होप यू गाइस आपको टोटल 15 प्रोवर्ब्स बहुत अच्छी लगी होंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इन चीज़ों को यूज़ करें अपने स्पीकिंग वे में। और आपको एक बात बता दूँ, जरूर नहीं ये प्रोवर्ब्स को इन, और देखिएगा हिंदी और इंग्लिश बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, इसलिए चीज़ें थोड़ी अलग अलग होती हैं, तो वही चीज़ आपको सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे ओल्ड वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने सीखना है तो आप बिल्कुल है विदाउट हेजिटेशन बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।